Hi everyone, this is Hira Tareen and you're watching Rewind with Samina Peerzada. And if you like this video, make sure you hit like, comment and subscribe and keep watching the show. So aaj maine invite kiya hai Hira Tareen ko. उन्होंने भी किसी की बात नहीं मानी, वही किया जो उनके दिल ने चाहा, अपने माँ बाप को कन्विंस किया और आज वो एक एक्टर है। खास में देखा है ना आपने, तो आइए मिलते हैं हिरा तरीन से। थैंक यू सो मच एंड मुबारक फॉर खास। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम एक्चुअली वेरी ऑनर्ड। You've always been one of my favorites, so it's a little, little bit of a starstruck moment for me right now. So thank you for having me here. And how are you? I'm good. और कितना अरसा लगा खास तक पहुँचने में? Wow, खास तक पहुँचने में, it's been a long journey, I would say. काफी लंबी journey है, with on and off, जो acting कभी की, कभी नहीं की. कभी पढ़ाई पे फोकस चला गया, फिर वापस आई, तो काफ़ी टाइम हो गया। बट आई वुड से जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मुझे 10 साल हो जाएंगे। अच्छा, या और कितने ड्रामे कर लिए इन 10 सालों में? वाओ, इनफैक्ट मैं उसी दिन अपनी एक टैलेंट रेज्यूमे टाइप चीज़ बना रही थी, तो उसमें मेरे ख्याल में एक्टिंग प्रोजेक्ट्स टोटल मेरे 35 से ऊपर हो गए होंगे। अच्छा, हाँ टोटल। और कैसे ख्याल आया था कि यू कैन बी एन एक्टर? Okay, now should I go all the way back? Haan, should I rewind? चलो बचपन से शुरू करते हैं। कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान कराची में पैदा हुए। अच्छा, और कितने बहन भाई हो? हम लोग टोटल 3 बहन भाई हैं। अच्छा, एक भाई या दो बहनें? एक भाई दो बहनें। ओके, सबसे बड़ा? सबसे बड़ा भाई, फिर आप, फिर बहन। और अच्छा, फिर मैं। सबसे छोटे हो? मैं सबसे छोटी हूँ। ओह, व्हाट फन। काइंड ऑफ, ऑल्दो या People look at it like that, कि जो सबसे छोटा होता है उसको कोई जिम्मेदारी उसको नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी होती, कोई you know, this is spoiled brat and they don't really have to do anything. But I don't know if my family would agree with this, if my siblings would agree with this or not. But I would like to think, मुझे ऐसा लगता है कि I wasn't your typical spoiled brat. Really? I felt like somewhere along the line, I felt like I needed to take on responsibility. I don't know how that happened, but मुझे जहाँ तक याद आता है, as soon as I was mature enough to realize what was happening around me, मुझे उसी टाइम से लगता है कि मैं बहुत responsibility का एक मुझे एहसास हमेशा से था। बचपन में भी ऐसे ही थे, जिम्मेदार? I think so. Yeah, naughty और शरारती और डांट खाने वाला बच्चा। डांट खाई है, मार भी खाई है स्कूल से। हाँ, घर पे कभी नहीं? अम्मी ने कभी नहीं? घर पे तो वो जो मार होती थी वो तो हंसी आती थी उस तरह की मार के ऊपर, के वो जो यू नो लाइक अलग अलग चीज़ें जो हैं उनसे जो है ना वो डॉज करना और वो सारी चीज़ें, उन पे हंसी आती थी। कभी कभार किसी और को लगनी होती थी, वो आपको लग जाती थी, तो उस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। लेकिन दैट वॉज नॉट सो बैड। वी न्यू दैट यू नो के अम्मी हैं, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, चले इट्स ओके। तो किस बात पे गुस्सा आता था? किस तरह की शरारत करते थे आप तीनों? आई थिंक जब हम लोग सारे कजन्स आपस में मिलते थे तब सबसे ज्यादा शरारतें होती थी, वरना इंडिविजुअली मी आई डोंट थिंक आई वॉज अ नॉटी चाइल्ड एट ऑल। इनफैक्ट जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये होता है कि लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी बच्ची थी और तुम चुप थी, तुम देखती थी। और मुझे भी जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, मुझे अपनी कोई भी इतनी कोई लाउड मेमोरी नहीं याद। वो होता है ना कि एक आपको याद होता है कि मैंने इस बात पे बहुत ज़िद की या मैंने उस चीज़ पे किया। मुझे जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज हैं, मुझे बस ये याद है कि मैं लोगों को बहुत गौर से देखती थी और ऑब्ज़र्व करती थी कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, हाउ इज़ दिस पर्सन बिहेविंग विद दैट पर्सन। एंड आई यूज़ टू टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स in, but I didn't have that much coming out. It was all going in and it was going somewhere, I don't know where, but it's like I was constantly just watching. Acha ye bhi ho raha hai, wo bhi ho raha hai, okay. To koi diary likhte the? No. Kuch khas koi khilona tha jo bahut kareeb tha,
जैसे बच्चों का होता है ना सिक्योरिटी ब्लैंकेट या एक टेडी या कोई गुड़िया? खिलौने थे, मुझे ये याद है कि एक लड़कियों वाले भी खिलौने होते थे और लड़कों वाले भी होते थे. एंड लाइक आई यूज्ड टू हैव बारबीज एंड आई आल्सो यूज्ड टू हैव निंजा टर्टल्स. सो आई डिडंट रियली हैव लाइक यू नो खिलौनों से इतना नहीं था, लेकिन आई थिंक 7-8 साल की उम्र में मैंने ड्राइंग पिकअप की. अच्छा. और वो ज़मीन पे जो जहाँ पे हम लोग रहते थे पाकिस्तान में बिफोर मूविंग टू द US, जब नेबरहुड में सारे बच्चे नीचे खेल रहे होते थे तो मैं आई यूज टू प्ले विद देम एज वेल. बट पता नहीं कहाँ से मैंने देखा कि कोई बच्ची ज़मीन पे चौक पे कोई ड्राइंग कर रही थी, तो आई सॉ दैट. एंड ऐसे मेरे बहुत मोमेंट्स हैं मेरी लाइफ में, दोज़ यूरेका मोमेंट्स वेयर आई सी समथिंग एंड समथिंग ट्रिगर्स एंड आई एम लाइक ओ आई कैन डू दैट टू. सो आई स्टार्टेड पिकिंग अप द चॉक एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग फेसेस एंड दीज वर रैंडम फेसेस आउट ऑफ माई ओन इमेजिनेशन. देन चॉक से पेंसिल पे ट्रांसफर हो गया व्हेन आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप अ बिट एंड आई वो काफ़ी ज़मीन पे प्रैक्टिस हो गई, तो देन आई स्टार्टेड स्केचिंग ऑन पेपर. And I just used to make faces, random faces. और वो इतने realistic होते थे कि मुझसे लोग पूछते थे कि ये कौन है, मतलब ये that is a person, who is it? And I used to be like, I don't know who this is. I've never seen this person in my whole life. And they're like, how did you draw this person then? I'm like, I don't know. I just feel like this is a person and it should be a person. तो ऐसा कोई शख्स था जिससे बातें भी करती थी या आईने में देख के अपने आप को? आई थिंक मैं अपने आप से अपने माइंड में बहुत बातें करती थी. उसके अलावा आई वॉज़ रियली क्लोज टू माई नानी. अच्छा. एंड माई मामू, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में, बल्कि बिफोर इवन आई वॉज बॉर्न, माई फादर हैड टू मूव टू द US. कितने बड़े थे आप? मैं पैदा भी नहीं. अच्छा. उस अच्छा अब्बू पहले चले गए थे? पहले चले गए. He had to go, kuch tha, maybe some, he wanted to study there, kuch university admissions ki deadlines, I don't know. But I didn't meet him till I was, the first time I met him, I think I was like 2 or 3, lekin wo mujhe memory nahi hai. And the next time I briefly met him, because he used to come back to Pakistan to see us, so next time I met him, I was 5. Then when we finally moved, that is when I got to know my father. 8 साल की उम्र में when we finally moved to America, that is when I got to know who my father really is. Before that, I'd only heard things that, you know, he was like this, he was like that. तो दोस्ती कैसे हुई उनसे? दोस्ती नहीं हुई. दोस्त, I don't look at him as a, I do now, you're right. दोस्ती अब वो एक closeness, openness. लेकिन उस वक्त नहीं थी. उस वक्त तो नहीं. You were too shy. I was too shy. बहुत रोई थी मैं, क्योंकि अम्मी से बहुत अटैचमेंट थी. आई डिडंट वांट टू लेट हर गो. इनफैक्ट मुझे लोग बताते हैं कि जब वो पहली दफ़ा आए थे पाकिस्तान, तो जब मुझे पता चला था कि सब बात कर रहे थे कि ओ पापा आ रहे हैं, लाइक एवरीवन, लाइक माय ब्रदर एंड माय सिस्टर यूज्ड टू कॉल हिम पापा, सो एवरीवन वाज लाइक पापा आ रहे हैं. पापा आ गए तो खैर. एनीवेज I was at home, but everyone tells me that when he was sitting, every time he would be sitting in, let's say, a place like this, main curtain ke piche hoti thi. I was standing behind a curtain and I was peeking through to see who this man is, but I would quickly cover it again. To unhone effort kiya? Yes, of course he did. I'm sure he wanted to, and of course bahut effort kiya. Lekin wo cheez jo proper ice jo break hui, wo jab हम अमेरिका फाइनली शिफ्ट हुए तब हुई. तो या पहला दिन स्कूल का याद है? बिल्कुल पहला दिन. हाँ हाँ याद है. बहुत रोई थी मैं, क्योंकि अम्मी से बहुत अटैचमेंट थी. आई डिडंट वांट टू लेट हर गो एंड आई फील लाइक आई एम स्टिल लाइक दैट. दैट पार्ट ऑफ मी हैजंट चेंज्ड. शायद क्योंकि अब्बू उस टाइम पे नहीं थे. माई टेंडर ईयर्स आई फेल्ट वेरी वेरी अटैच्ड, लाइक like separation anxiety hoti thi. Did not want to leave her side at all. So yeah, I was very close to her. Yeah. अम्मी को draw करते थे कभी? अम्मी को भी किया है, अब्बू को भी किया है, सबको draw किया है.
लेकिन मेजॉरिटी जो मेरी ड्राइंग्स होती थी वो एक रैंडम फेसेस अननोन लोग. तो कभी किसी को मिले बड़े होकर के जिसको ड्रॉ करते थे कि ओ माय गॉड ये तो वही शख्स है? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो दैट आई हैव कम इनटू कांटेक्ट विद जो मुझे फेमिलियर लगते हैं बहुत ज़्यादा. मुझे कभी कभार ये भी सोच आती है कि मे बी आई हैव ड्रॉन यू एट सम पॉइंट इन माय लाइफ. आई नो एज क्रीपी एज दैट साउंड्स बट कुछ कुछ फीचर्स मिल रहे होते हैं. बिकॉज आई वाज सो ऑब्जर्वेंट एज अ चाइल्ड, मैं हर चीज़ इतने गौर से जो देख रही होती थी वो मैं लोगों के फीचर्स भी देख रही होती थी कि यू नो आईब्रोज कैसी बनी हुई हैं, आँखें कैसी हैं, लिप्स कैसे हैं. तो वो चीज़ मैं फिर पेपर पे ट्रांसफ़र करती थी. और फिर ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ आई स्पेसिफिकली एवर मेट एनीबॉडी लाइक दैट टू आंसर योर क्वेश्चन. बट होता है कभी कि एकदम से वो शख्स जो कभी आपके दिमाग में था वो बिल्कुल वही शख्स सामने आके खड़ा हो जाता है. हाँ, इस तरह से ख्वाबों में मेरे बहुत ऐसी चीज़ें होती थी. दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप इज द ड्रीम्स दैट आई यूज टू समटाइम्स हैव. कभी कभार बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी टू अ पॉइंट वेयर आई यूज टू फील लाइक दैट वॉजेंट अ ड्रीम, दैट जस्ट हैपन टू मी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी मेरे साथ. लाइक एक दफ़ा मैंने कोई घर अपने ख्वाब में देखा था और फिर पाकिस्तान में वन रैंडम डे वी वर गोइंग टू हॉक्स पे या फ्रेंच बीच या सैंड स्पिट, वन ऑफ दीज प्लेसेस. और रास्ते में हम लोग कहीं रुके एंड आई सॉ अ हाउस दैट आई विविडली रिमेंबर सीइंग इन अ ड्रीम. इट वॉज अ पिंक हाउस एंड आई कुड नॉट फॉरगेट इट व्हेन आई ड्रीम्ड अबाउट इट. इट वॉज अ वेरी विविड ड्रीम. आई सॉ माई लेट खालू inside that house and he was painting it. और वो बाहर से भी मैंने ख्वाब में देखा था कि वो पिंक सा घर है और उसका पूरा आर्किटेक्चर मुझे याद है. And then like 5-6 years down the line I randomly remember that I saw that house in person and I told my sister, I'm like, oh my god, I've dreamt about this house but we've never been here before, so how is that possible? So a lot of little things like that. So likhne ke mein interest nahi tha because ye jo log is tarah ड्रॉ करते हैं या सोचते हैं या ख्वाब देखते हैं वो यूजुअली लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनकी इमेजेस इतनी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होती है ना. आई गेस कभी डायरी लाइक यू मेंशन वो मेरी कभी नहीं थी. फिक्शनल स्टोरीज नहीं मैंने कभी भी सोची लिखने के लिए. लेकिन बचपन में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे अपने बारे में याद है कि जब से मैं स्कूल जाना शुरू हुई और जब से अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और इस तरह की चीज़ें जब सीखना शुरू किया मैंने, तो मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी. वो ये थी कि मैं नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स को यू आर प्रॉब्ली गोना बी लाइक वाओ दैट्स दिस इज़ अ लिटिल टू मच. आई यूज्ड टू लुक एट नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स एज कलर्स एंड आई यूज्ड टू अप्लाई जेंडर्स टू देम. सो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आई लुक एट 4 एज अ रेड एंड अ बॉय एंड देन आई लुक एट 5 as a heavy set female and she's yellow in color and I look at 6 as a young beautiful woman and I feel like 7 is in love with 6 and 8 is 7's mother. Wow, this is how you remembered your but kyunki har bachcha apne dimag mein kahani banata hai na, right, how to remember things. But I wasn't doing it with a motive on to remember things. I was just generally doing it. So they were your friends? Kind of. Like I was giving numbers and alphabets personalities and colors and genders. And so I just thought that... alphabets ko bhi isi tarah? Bilkul. Alphabets ke saath bhi color tha aur gender tha? Bilkul tha. To A ka kya tha? A is a very dominating female and she's red. Aur B? B is, I don't remember the color anymore because I haven't done this in a while, but B is also a female. C is a young boy. And C I see as blue. D is yellow. D is again a boy but older than C. So your teachers ko pata tha? No. And did your mother know this? Nobody knew. I did tell like Zara, my sister, I told her. I may have mentioned it to my parents, but मुझे ये बस लगा था कि दिस इज़ लाइक आई टोल्ड यू, मैं हमेशा अपने दिमाग के अंदर ही होती थी और मुझे ऐसा लग रहा होता था कि या आई मीन आई एम श्योर कि दूसरे बच्चे भी ऐसे ही करते होंगे बिकॉज आई मीन एवरीवन इज़ क्रिएटिव व्हेन दे आर यंगर.
one fine day I was sitting when I was much, much older, in like my late teens, yeah, shayad my early 20s, America mein abhi, I was sitting at a doctor's clinic, general checkup ke liye. So, udhar chal raha tha CNN Health. And I was just, you know, doing my thing and ekdam meri aankhein gayi CNN Health pe. So, udhar ek puri documentary chal rahi thi. Aur usme, I just, maine kaise, how did I start paying attention? I was just doing my own thing and all of a sudden I heard somebody on the TV say, ke, yes, when you apply colors and genders to numbers and alphabets, and I'm like, what? And I looked at the television and they were describing my exact thing, but they were saying this is a condition called synesthesia. It's some people have a very strong form of synesthesia, aur jin logon ko bahut strong wala synesthesia hota hai unko literally मुंह में एक टेस्ट आता है अगर वो कोई रैंडम नाम अगर कोई अपना खाला या मामू या एक्स बॉयफ्रेंड या कोई इस तरह का नाम सुनेंगे तो उनको मुंह में लाइक फॉर एग्जांपल रैंडमली एक मस्टर्ड का टेस्ट या केचप का टेस्ट आ जाएगा या तो उनको म्यूजिक नोट्स एक्चुअली नज़र आते हैं विजुअली सो दिस इज़ अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सिनेस्थीसिया What I have apparently is जो थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म होता है जो कहते हैं कि क्रिएटिव लोगों में होता है In fact, if you look up synesthesia, you'll see a lot of famous people, creative famous people who have it. So art pursue ki phir aage? Art padhi? Yeah, I majored in art even though mera initial major computer science tha. Kyunki main bahut choti thi jab I felt like I was constantly trying to fast forward. Like I know this is rewind, but I was trying to. जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ. But पता नहीं क्यों. I just felt like I needed to just move on. Maybe I felt like, you know, middle school and junior high and high school can be a little bit of a difficult place in the U.S. Especially जब आप एक पाकिस्तानी माहौल से उधर shift होते हैं इतनी young age में, तो उधर बहुत सारी adjustments होती हैं mentally जो आपको एकदम करनी होती हैं people are not always the nicest at that time you know they're not always बच्चे होते हैं they don't know how to react to people who are different people who have a different skin color a different way of speaking a different accent so people can be tough and it can be very tough for a person who's anywhere from 8 to 12 to adjust to such a huge thing I think agar aap jaldi chale jaate ho to phir bhi you know mm-hmm. if you go in like when you're 3 or 4 it's still different but to usne kya kiya zyada aur zyada introverted kar diya shy kar diya na ya you came out I was very introverted and shy till I started university although jab tak main high school or junior high pahunchi thi to us time pe I remember ke sab mere dost hote the And I was quite popular too, in the sense that alag alag ethnicities ke log, you know, you have the African Americans, you have the Mexican people, you have the Caucasian American people, you have the Desi people. They all liked me, they all wanted me to be part of their group, but I was never the type of person to have a cliquish kind of a personality. So, sabko draw karte rehte the. मैं ड्रॉ भी करती थी मैं हाँ ये बड़ी चीज होती थी कि लोग मुझे बड़ा के उस पॉइंट पे मेरी बड़ी दोस्तियां बनती थीं कि पीपल यूज्ड टू बी लाइक कैन यू ड्रॉ मी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मेबी आई विल जैसे हमेशा लग रहा होता था कि मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ क्योंकि मुझे होना है उधर जहाँ पे सब हैं मुझे ऐसा लगा कि ठीक है ये जो सारे बच्चे हैं बट आई फील लाइक आई डोंट फिट इन आई फील लाइक आई नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस फास्ट लाइक जल्दी जल्दी सो आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल अर्ली एंड व्हेन आई ग्रेजुएटेड हाई स्कूल आई वाज ओनली 16 और उधर यूजुअली यू आर टर्निंग 18 और समथिंग लाइक दैट बट आई वाज ओनली 16 तो अब मैं 16 साल की उम्र में कैसे डिसाइड करती कि मुझे क्या करना है अपनी पूरी जिंदगी में तो इवन दो आई वाज रशिंग फॉरवर्ड But maybe I didn't realize that eventually balance out ho hi jayega because at some point I might be confused about what I'm doing and I might not want to. So computer science kiya? Haan, because I went up to my father and I said, Papa, I don't know, kya karu main? Like I'm about to start university.
And I always, you know, looked at him as a kind of guy that I still do, that just knows. He knew everything. He was like a walking, talking encyclopedia. You talk to him about hip-hop music, he will tell you everything. He knows everything, almost. So I went up to him and I said, Papa, you know, this is, you know who I am, you know how I am. I just feel like I can't decide. Can you help me decide what I should do? And he was like, He's like, I think maybe you should, you're really good at math. So you should try computer science. So I was like, okay. I'm like, but do you think that that's... Because us time pe simultaneously this was also happening that I was percussions pick up, kar rahi thi, main tabla baja rahi thi, main, you know, bongos jo hai play kar rahi thi, and people all around me in my circle and my family are watching this girl who's randomly, like, you know, playing tabla and like learning things on her own and doing all these creative things and drawing, ye wo sari cheezein saath chal rahi hain. I picked up DJing at the age of 15. Khud hi jo hai na apne like choti choti part time jobs karke paise jama karke maine jo hai Amazon se eBay se us zamane mein turntables order ki, aur unme jab wo dono ghar aayi to ek tooti hui thi, somebody sent a bad one. To ek turntable ko maine apne papa ke record player ke saath, beech mein mixer tha, and I started mixing music at that time. And my parents just didn't get it. They were creative people, but I remember my mother, I had to hear it from her once because I came back from a DJ gig and she found out that I went and DJed at an event and she was not happy. She was furious. And I came back home. Maine ye socha tha ki aaj to maine bahut hi zabardast performance di hai and I felt proud of myself. Lekin jab main ghar aayi to my mom wasn't happy. She was not happy at all. She's like, what's wrong with you? Kyun is tarah ki cheezein kar rahi ho tum? You know, why? So I remember my brother was never that kind jo kisi ki bhi baat ke beech mein wo kabhi bhi nahi aate the. Kisi ka bhi aapas mein thoda bahut phadda ho raha hota tha to wo kamra band karke bye, you know, you guys deal with it. But us din wo bahar aaya और वो अम्मी से लड़े. उन्होंने कहा कि आप क्या बात कर रही हैं, आप ये नहीं सोच रही कि इस वक्त जो इसकी एज की दूसरी लड़कियां और लड़के वो किन चीजों में इन्वॉल्वड हैं और ये एक क्रिएटिव चीज करना चाह रही है और वो कर रही है. सो यू शुड बी हैप्पी दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट इन यू नो द अदर काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग राइट नाउ दैट शी इज एक्चुअली वांटिंग टू यू नो शी डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सीन बट शी जस्ट wants to stay back and do something creative while she's there. So what's wrong with that? So that's when something clicked in my mom's head and she was like, okay, maybe I'm being a little too harsh. Maybe I should realize that she's a little different. We have a different one, you know, on us. So, yeah. So haan, kyunki, like, because aapke thi na nature ke thoda peeche chale jao. That ke draw kar lo, vel ke logo, wo imagine kar lo. Sab log khel rahe hain, but you're sitting there and drawing on the, you know? Yes. That means कि आपको है कि आप थोड़ा सा क्राउड से थोड़ा सा अलहदा हो के जरा सी नजर रखो सब चीजों पे कि क्या कुछ ऑब्जर्व करो. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. मुझे ऐसे हमेशा लग रहा होता था कि मुझे समझ में नहीं आती कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ क्योंकि मुझे होना है उधर जहाँ पे सब हैं. आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एवरीथिंग येट आई समहाउ वांट टू स्टे अवे लाइक आई वांट टू बी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट. आई डोंट नो व्हाई. फिर अगली चीज क्या की थी आफ्टर डीजेइंग? After DJing, America, we started, my sister and I started a South Asian modeling agency, the very first one of its kind. And udhar humne kafi fashion events organized kiye. We developed a lot of portfolios for models and bahut sari is tarah ki creative cheezein bas hamesha karni thi. And then I became my sister's subject जब उनको जो है फोटोग्राफी का जोश चढ़ा. तो वो अब्बू का एक पुराना याशिका का फिल्म कैमरा जब उन्होंने उठाया और वो बस चाह रही थी कि वो अब फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करें. तो आई वाज ऑलवेज अवेलेबल बिकॉज आई हैड नथिंग बेटर टू डू इन माय लाइफ बट टू टैग अलोंग विद माय सिस्टर. वो जो करती थी बस मुझे उनके साथ ही जो है चिपकना होता था कि नहीं नहीं मैं भी वही करूँगी मैं भी वही करूँगी. सो शी वॉज लाइक ओके आई नीड टू टेक सम फोटोज सो कैन यू स्टार्ट पोजिंग फॉर मी नाउ. तो वो जब मैंने करना शुरू किया तो शी वॉज द वन हु रियली सॉर्ट ऑफ यू नो सेड हे आई थिंक यू हैव समथिंग हियर.
So I was like, whatever, she's just being like that kyunki wo meri behan hai and she feels like usko meri tareef karni hai because I'm her little sister. So she's, but she was like, no, I mean, I think that, you know, you might have something here. Khair wo to 14-15 saal ki umar thi, wo to maine bilkul hi shauk tha lekin itna wo nahi tha, phir padhai aur sari cheezein saath saath. So wo to computer se phir art mein kaise gaye? Wo aise gayi ke after doing like 2 or 3 semesters, main ho gayi confused. Kyunki mujhe aise feel hua ke sari zindagi main computer ki programming kaise karungi. Fine, I'm good at it. I'm good at math. Aur computer mein to piche baith ke dekh nahi sakte. Exactly. You have to be like right there. Yeah. So I was like, is this something that I can do? Because ظاہر ہے تھوڑی سی پھر وہ ایکسپوجر اور وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوئیں کہ اچھا اس میں پھر یہ ہوگا اینڈ دس از مائی دا اسکوپ آف مائی کریئر کہ اس طرح کی جابس مل سکتی ہیں اس میجر کے ساتھ. سو آئی واز لائک آن ون ہینڈ آئی ایم لائک وانٹنگ ٹو بی اے ڈی جے, آئی ایم انجوائنگ دس ہول ماڈلنگ تھنگ, آئی پلے پرکشنز. سو آن ون ہینڈ یو ہیو دس کریٹو پرسن اینڈ دین یو ہیو سمبڈی ہو از اسٹڈنگ ٹو بی اے کمپیوٹر سائنس انجینئر. And I'm like, I don't know about this. So I went to my dad and I said, again. I'm like, we need to talk. I'm like, Papa, I don't think I want to do this. And so he says, Baba, don't tell me what you don't want to do. Tell me what you do want to do. And I was like, I kind of don't know. And he's like, okay, well, you go figure it out and then come and talk to me. And I said, okay, how do I figure this out? کیا کروں کیونکہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے آرلنگٹن نام کے ایک سبرب میں رہتے تھے اور اس میں بس جو لوگ ارد گرد ہمارے بچپن سے تھے وہی تھے, دیسی فیملیز یہ وہ, کیونکہ ادھر جا کے ماں باپ جو ہیں وہ آپ کو لے کر تو جاتے ہیں دوسرے ملک, ہاں, لیکن پھر زیادہ دیسی ہو جاتے ہیں, وہ زیادہ دیسی ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ, not every Pakistani parent is comfortable with their children assimilating with other cultures, although baad mein jaake jab hum log bade ho gaye to my parents became much more relaxed and open minded, but us time pe because I understand it's a tender age, they were like nahi, you know, you can, like jab bhi koi American friend ke sath plan hota tha to thoda sa zyada strictness dikhate the. So we also said, okay, let's just make life easy and make a lot of desi friends, you know. To bas wahi ek circle tha, wahi nazar aata tha ki this is it. How am I ever going to get inspiration from this environment? The same people that we've known since I was 10, I'm still seeing every day. They were not your run-of-the-mill traditional Desi parents. Mm-hmm. They were really open-minded. Meri behan, wo bhi zara sa apne life mein us point pe, kuch personal reasons ki wajah se stuck, she felt a little stuck. And we were really close at that time, so we had a little talk, a little sister talk, and we said that kya kare, and we then both suggested, we're like, Pakistan chale, and you know, both of our eyes lit up and we were like, yeah, Pakistan chalte hain, kyunki hamare khala mamu sab jo jinhone hame pala tha unke sath hum log itna close the ki wo puri ek alag zindagi, ek parallel life thi jo we were only dreaming of going back to one day because it just seemed like such a distant memory somewhere. And so we both got excited. We were like, chalte Pakistan chalte hain. We went up to our parents and we're like, would it be okay with you guys agar hum log ek do mahine ke liye Pakistan chale jaye? So my parents were like, Pakistan, like out of all the places in the world, you girls want to go to Pakistan? And we're like, yeah, we want to go to Pakistan. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, جاؤ بالکل جاؤ. تو ہم لوگ جب آئے پاکستان تو زارا اور مجھے جو ہے, زارا ایک دفعہ پہلے بھی جب ہم لوگ پاکستان آئے تھے وزٹ پہ تو زارا ہیڈ ون اے ماڈلنگ کانٹیسٹ, وہ جب فری الطاف لگ اسٹائل کی دنیا کر رہی ہوتی تھیں, وہ جو ٹیلی ویژن شو تھا, تو زارا ہیڈ ون دیٹ کانٹیسٹ. سو زارا ہیڈ آلریڈی گاٹن اے ٹیسٹ آف ماڈلنگ, لیکن پھر ہمیں واپس جانا پڑا. تو جب زارا واپس آئی تو وی میٹ اپ وتھ سم پیپل, اور اس زمانے میں تو میں ایک چشمے والی دو پونیوں والی اس کے ساتھ ساتھ پیچھے اس کے بھاگ رہی ہوتی تھی, بٹ ناؤ ہیڈ چینجڈ اے لٹل بٹ. تو ایک فوٹوگرافر تھے ارشد ترین, انہوں نے ہمیں ساتھ دیکھا
तो उन्होंने हमें एक फ़ोटोशूट ऑफर की, तो इट वॉज ऑन द कवर ऑफ विसाज एंड वी सैड ओके यार लेट्स डू इट. सो व्हेन वी डिड दैट देन आई एंडेड अप गेटिंग ऑफर्स फॉर फैशन शोज एंड देन इवेंचुअली ड्रामाज एंड सिटकॉम्स. अब वो जो हमारे 2 महीने का एक ट्रिप था दैट बिकेम ऑलमोस्ट 1 year. And my parents are calling us and they're like, what is going on over there? Pakistan mein ho kya raha hai? Like, why are you guys not coming back? And we're like, okay, well, this and this and this happened. Aur uski wajah se we have to be here. Kyunki ek drama ki shoot shuru ho gayi hai. Aur ek khatam hone wala hai. Lekin phir uske baad, they're like, what? Like, what are you guys like? You guys need to come back. Kyunki you have to, you know, at that point, jo hamara immigration status tha us time pe, we had to make an entry. After every year. तो खैर anyways हम लोग सब कुछ बीच में छोड़ के थोड़ा सा वापस गए अमेरिका एंड देन वी टोल्ड आवर पेरेंट्स दैट लिसन वी नीड टू गो बैक बिकॉज देयर आर सम प्रोजेक्ट्स दैट वी हैवंट फिनिश्ड येट. तो वापस आके जब हमने उनको बोला कि हमें वापस जाना है, वी हैव अ फ्यू कमिटमेंट्स, कुछ ड्रामे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों की पढ़ाई का क्या होगा? आई मीन यू जस्ट लेफ्ट इन द मिडल ऑफ यूनिवर्सिटी and you guys were only supposed to go for 2 months. ये क्या हो रहा है उधर, मतलब क्यों? And then I, you know, told that. So you know about that thing about you telling me to figure it out. You know, this is me figuring it out. And he was like, "Acha, lekin figuring out doesn't necessarily mean you have to just leave your school to figure things out. Why don't you?" And I'm like, "Okay, yeah, you're right." And I realized that. मुझे पता है कि education is not something I don't want to continue. लेकिन I feel like I'm like getting inspired or I'm मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस काम के थ्रू अलग अलग सिचुएशंस और ऐसी चीज़ों, मुझे उन चीज़ों का एक्सपोजर मिल रहा है जो मुझे आर्लिंगटन टेक्सास में नहीं मिल रहा था. सो ही वाज लाइक ओके, ही वाज लाइक आई एम ओनली गिविंग यू गाइस अ फ्यू मोर मंथ्स, यू नीड टू फिगर दिस आउट, रैप इट अप, कम बैक. तो अब फोटोशूट्स, कमर्शल्स, ड्रामा शूट्स, ये सारी चीज़ें जब चलती रहीं तो मुझे एकदम एक रियलाइजेशन हुई एक दिन कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, मैं उधर का माहौल देखती थी, मैं सोचती होती थी कि अच्छा, सो दीज आर द पीपल दैट कम अप विद दिस बिग आइडिया एंड देन दे हैव टू अप्लाई इट ऑन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, लाइक प्रिंट में भी उसी तरह का आइडिया होना चाहिए, तो फिर कमर्शियल में भी वही एक आइडिया होता है. एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड इन ब्रांडिंग, कि ब्रांडिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग. और फिर मैंने सोचा कि बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन द क्रिएटिव सॉर्ट, ड्राइंग एंड यू नो इंटरेस्टेड इन स्टाइलिंग, मेकअप, परकशंस, म्यूजिक, देयर इज सो मच दैट आई एम इंटरेस्टेड इन, दैट शायद एडवर्टाइजिंग इज दैट वन फील्ड फॉर मी, और सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, आर्ट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग. तो जिस दिन वो क्लिक हुआ, आई स्टार्टेड टू रैप अप एवरीथिंग इन पाकिस्तान एंड देन आई सेड ओके. Zara wasn't ready to go back. She didn't have any such realization. She was okay. She was like, "Nahi, main to theek hu bhai, tumhe jana hai, tum jao." To maine bola, "Okay, main to ja rahi hu kyunki main nahi kar sakti. It's scaring me too much because bahut sari cheezein bahut jaldi ho rahi thi. Usi zamane mein Jio bhi aaya hua tha, Indus Music bhi tha, and we were just too young. We were too young to even handle, to be able to understand without our parents here, ke alag alag situations ko kaise handle kiya jaye, itne sare alag alag type ki personalities, sab kuch naya tha, bahut sari cheezein, bahut sari galtiyan, bahut sare, you know, cheezein hui hain. And then I thought, no, like this is the point where I need to go back. To khair, when I started to pack my bags, phir Zara ne bhi kaha ke, do you really think I'm gonna stay here without you? So I was like, okay, if you want to come, just come, because I'm going back. फिर वापस गई मैं, फिर से और जॉब्स की, trying to save up money for my education, because now this time I wanted to do it all on my own. I was like, मैं खुद ही करूँगी सब. So I worked really hard, got admissions into my university again, and I changed my major to communication and advertising. And yeah, so I was an art major, which is not what my parents expected me to do. They had probably really high hopes for me, but you know the way desi parents are, they maybe unko ye laga hoga ki yaar ye wali beti to zarur doctor banegi aur ya to ye computer science engineering hi karegi, bahut acha karegi. Lekin shukar hai ki mere parents
they were not your run-of-the-mill traditional desi parents. Mm. They were really open-minded. और घर में बहुत एक खुला डुल्ला माहौल था. वो वाली चीज़ नहीं थी बिल्कुल भी जहाँ मैं देखती हूँ बाहर जब कुछ लोग जाते हैं तो उनकी एक ड्यूअल पर्सनालिटी इश्यूज़ हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ कि वो बाहर बिल्कुल कुछ और होते हैं और घर में कुछ और होते हैं. घर में कुछ और होते हैं. हमारे साथ बिल्कुल भी शुक्र ऐसा नहीं था. वी हैड वन ऑफ दोज यू नो एनवायरमेंट्स एट होम वेयर वी कुड टोटली जस्ट बी हु आर लाइक हु वी आर एंड वी कुड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू नो पीपल आर फ्लॉड दे मेक मिस्टेक्स. गलतियाँ होती हैं. यू टॉक अबाउट इट. यू मे फाइट अबाउट इट फॉर अ वाइल बट देन यू एंड अप टॉकिंग अबाउट इट. यू बात करो उसके बारे में क्या बॉदर कर रहा है. तो उस तरह से बहुत ही एक यू नो इट वॉज वन ऑफ दोज एनवायरमेंट्स दैट नर्चर्स आइडियाज. यू नो जो आइडियाज़ आते थे बहुत सारे रैंडम आइडियाज़ हम लोग बैठ के घर पर डिस्कस कर रहे होते थे कि ओ पापा आई हैव दिस आइडिया हाउ अबाउट इफ़ यू नो यू वर टू इन्वेंट अ प्रोडक्ट लाइक दिस. और उसकी तो देन यू नो वी यूज़ टू देन क्रॉस क्वेश्चन ईच अदर के या बट देन यू नो व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस हाउ आर यू गोना मार्केट इट और हाउ आर यू गोना मेक श्योर दैट यू नो लाइक इस तरह की कॉन्वर्सेशन हमारे घर में चल रही होती थी. एंड एज अ फैमिली वी ऑल यूज टू सॉर्ट ऑफ जस्ट सिट डाउन एंड समटाइम्स वॉच समथिंग एंड एनालाइज इट टुगेदर. तो इस तरह की बहुत आई फेल्ट दैट दोज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस रियली हेल्प्ड मी in sort of figuring out and I'm still figuring it out. I still don't have it. So major kiya phir major kar liya sab kuch communication marketing and I finished my major advertising. Yes. And then jaise yeah khatam kiya degree mili phir kya kiya phir job ki wahi par udhar hi aur pakistan ne nahi bulaya bula to raha tha pakistan लेकिन एक अलग ज़िंदगी शुरू हो गई थी उस टाइम पे. उस दिन से आज दिन तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा दैट आई हैवंट हंग आउट विद अली फ्रॉम दैट डे.